खाने के लिए पैसा बहुत है, लगाने के लिए पैसा नहीं है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हम खड़े हैं शहीद पार्क पर, जो एसडी महिला कॉलेज के बिल्कुल सामने है। 3 वर्ष पूर्व इस पर 30 लाख रुपया लगा था। ये देखिएगा कि इसका ये अनावरण पत्थर है 14/6/2021। 30 लाख रुपया लगा था और इस 30 लाख रुपये लगाने के लिए, इसकी बेबुद्धि के लिए, इसके विस्तारीकरण के लिए, इसके सौंदर्यकरण के लिए क्या क्या लगाया गया था और क्या खाया गया है, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि अजय सैनी जी, जो अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं बीजेपी के। इनकी धर्म पत्नी शकुंतला सैनी जी बीजेपी की पार्षद है। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। साहब, शहर के अंदर खाने के लिए तो बहुत सी जगह हैं, बहुत पैसा है और लगाने के लिए नहीं है। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लग रहा है और वहाँ खाया भी जा रहा है। बताइए, आप बताइए, आप बीजेपी के पार्षद हैं, आपकी धर्मपत्नी, तो विस्तार से। सबसे पहले तो बंसल जी, आशीष शहर के सभी जनता को मेरा नमस्कार। और रही बात पैसे लगाने की, तो बताना चाहूँगा बंसल जी, पैसा खाने के लिए तो बहुत है, आशी के अंदर पैसे की कमी नहीं है। हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि 1000 करोड़ रुपया लग चुका है। 1000 करोड़ विधायक जी कह रहे थे 1000 करोड़ रुपया लगा है शहर के ऊपर। तो ये देखो जी, करीबन 3 साल पहले 32 लाख रुपया लगाया गया इस पार्क के ऊपर। 32 लाख रुपये में यहाँ समरसीबल लगना था, वो नहीं लगाया। पौधे देखो सूख गए, पानी के अभाव में पौधे सूख गए बंसल जी। 32 लाख रुपये में समरसीबल लगाना था। पार्क का बहुत बढ़िया विस्तारीकरण होना था इस पार्क का। इन्होंने पूरे पार्क को खत्म करके यहाँ ये 4 टायर लगा के 32 लाख रुपया डब कर लिए इन्होंने। आपको कहीं स्टील की ग्रिल दिख रही हो, स्टील की ग्रिल लगनी थी, कुर्सियाँ लगनी थी, यहाँ समरसीबल पौधों के लगना, चारों तरफ देखो पौधे, चारों तरफ सूखे पड़े पौधे यहाँ के। वो देखो, वो पौधा सूख गया, वो पौधे सूखे पड़े सारे के सारे। कहीं आपको बैठने के लिए कुर्सी दिखाई दे रही हो, कहीं स्टील की ग्रिल दिखाई दे रही हो। नहीं, आपका अक्सर यहाँ आना होता है शहीद पार्क के अंदर जी। यहाँ आपने, अब तो स्टील की ग्रिल यहाँ नजर नहीं आ रही है। स्टील की ग्रिल का जो था मेट जो था उसमें स्टील की ग्रिल थी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। ये लोहे की लगा रखी थी बंसल जी, 32 लाख रुपए में 5 लाख रुपए उसे लगाए थे, सारे के सारे पैसे खा गए। जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ समरसीबल भी लगाना था। समरसीबल है, पौधे सूख गए बंसल, सारे सूखे पड़े पौधे देखो, पानी के भाव में सूखे सारे पौधे, सारे पैसे हड़प करके सारा खा गए यहाँ से। शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आते हैं, आपने कभी समरसीबल देखा क्या यहाँ? ना समरसीबल है, कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, कोई स्टील की ग्रिल का प्रबंध नहीं है, कोई बैठने के लिए कुर्सी का प्रबंध नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि 32 लाख रुपए कहाँ लगा दिए उन्होंने? 32 लाख का हिसाब दे तो कहाँ लगाए 32 लाख रुपए? 3 साल टोटल हुए हैं और अब 52 लाख बता रहे हैं कि और पास हो गए। इसकी शिकायतें गई हैं, शिकायत जनता ने बहुत शिकायतें की हैं, कहीं ना कहीं शिकायतें दबा दी गई है। मैं आदरणीय हमारे जो भी हांसी के SDM साहब लगा लो जो भी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इसकी जाँच करवाएं, कौन कौन इसमें शामिल हैं और कौन कौन किस तरीके से ये पैसे खाने लग रहे हैं। जहाँ पैसे लगने चाहिए सुशाम चुंगी रोड पे जाके देखो, छठे खड्डे हैं जी। लोग हमने कवर किया था वहाँ, लोग रोड पे लेट गए जी, रोड जाम लगा दिया, रोड बंद कर दिया लोगों ने, उनके घरों में जाने के रास्ते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग देखभाल करने वाले, वहाँ पैसा खा नहीं सकते। ये जहाँ खाने का होता ना वहीं लगाने लग रहे हैं। आपको लगता है कि 52 लाख रुपये लग जाएंगे छोटे पार्क के अंदर? 5 लाख में टनाटन पार्क हो जाए बंसल जी। ये अमटी झील, ऐतिहासिक झील, जो एक इतिहास की धरोहर है, उस झील पे इन्होंने कभी एक पैसा नहीं लगाया। इसका डायमीटर कितना होगा? इसका बहुत छोटा होगा, 100x100 का भी नहीं है। और इतने के अंदर ये लगा लो 32 लाख रुपए, तो पूछना चाहूँ बताओ कहाँ लगा दिए? समरसिबल इसमें नहीं है, पेड़ सूखे पड़े हैं, लाइट इसमें नहीं है, सीट बैठने की इसमें नहीं है, है क्या इसके अंदर? सारा खा के 50 लाख और पास करवा रखे, ये भी नुकसान खाने हैं। 5 लाख मुश्किल से लगाने इस पार्क के अंदर, 45 लाख रुपए सीधे सीधे खाने हैं अधिकारियों ने। शहीदों की आत्मा रोती है, वो तो हमेशा रोती है, शहीदों का रोती है जब देखते हैं ऐसे नपुंसक जाम दिए हैं, सारा का सारा पैसा खाने लग रही है। तो मैं तो यही, जो हमारी ये जो रेड मारते हैं हमारी अपने CM फ्लाइंग विजिलेंस वाले हो गए, उनसे निवेदन करता हूँ, आप रोज नगर विषय जाते हो, आके रोज कागज गाड़ते हो हमारे, एक बार
इस पार्क की तरफ ही नजर दौड़ा के देखो, ये शहीदों का पार्क है, शहीद भगत सिंह के नाम से पार्क है ये। 32 लाख पहले लग लिया इसके ऊपर, जबकि खर्चा 5 लाख भी नहीं था, और आज 52 लाख 50 लाख रुपए और पास के रखे हैं उसके ऊपर। टोटल 10 लाख रुपए का पार्क में लगना नहीं है। इस पे क्या 10 करोड़ के खिलाफ एक्शन लिया जाए? 10 करोड़ में इसके बिल्कुल इनके खिलाफ पहले दरखास्त भी हो दी गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, आप चाहते हो कि बीजेपी सरकार दोबारा आए तो जितने भ्रष्ट था के टाइम से पहले इलेक्शन पहले अंदर कर दो सबको, हम खुल के साथ देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, मैं जहाँ तक मैं पत्रकार हूँ और मेरी जानकारी के अनुसार, जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी उसको धमकाया भी गया है। धमका के सारे कागज उठवा लीजिए, देखो ना पत्थर, ये देखना 3 साल हुए हैं। दिखाइए, ये देखो 3 साल हुए हैं, पाड़ भी दिए उन्होंने। कहाँ को क्या पा रखे ये काला पत्थर? ये पार्क को चबूतरा बना के छोड़ दिया, महंगा पत्थर है ये, देखो क्या बना रखे, नए पत्थर सारे पाड़ दिए, नए पत्थर है, पुराने नहीं है। ये पत्थर कैसा लग रहा है आपको? ये वैसे तो ठीक है जी, पत्थर तो फिर उखाड़ क्यों रहे हो? वो तो देखो जी, हम तो मतलब लेबर डिपार्टमेंट से, हमें तो क्या, हमें काम करने से मतलब है, जो काम करेगी वही बात, मजदूर को क्या होता जैसे बोल ये भाई तो बता रहा है, पत्थर में खराबी नहीं है, ये पाड़ के दोबारा लगाएंगे इसी को, इसको नहीं लगाएंगे खाने के लिए। और तू शाम चुंगी वाले वहां जाके देखो, पंचायती रामला ग्राउंड के बाद जाके देखो, लोग रोने लग रहे हैं जी, कहते पैसे नहीं है, ये कहां से लग रहे हैं, खाम के पैसे। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हाल ही में 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी पंचायती रामलीला ग्राउंड की रोड से आए थे, वो रोड का क्या हाल है उसका? इतना खत्म रोड है जी, आदमी टप नहीं सकता, और सबसे बिजी सड़क का रोड है वो, गैस एजेंसी रोड, पंचायती रामलीला रोड, बड़े बिजी रोड हैं, दिल्ली के रोड बिल्कुल बहुत बिजी रोड है, लेकिन वहाँ जाके देखो किस तरह रोड लग रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग तरह तरह मचा रखे लोगों ने रोड को बनाने के लिए, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ जरूरी था क्या वो रोड? जरूरी थे, यहाँ तो लग चुका था, वैसा ऑलरेडी था, जैसे भी था वो जरूरी था, ये जरूरी था। सफाई देख लो, पार्क में घास का टपका तो है, सफाई देख लो। तो यहाँ तीसरे दिन फंक्शन भी, सारे पौधे सूखे पड़े हैं, इनकी जयंती मनाई जाती है, इनकी जयंती मनाई जाती है, क्या करें, रोते हैं जयंती पे आके, देखते हैं लोगों को क्या करें बेचारे, बताओ। अब विजिलेंस जांच, विजिलेंस से मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, वास्तव में सच्चाई है तुम्हारे अंदर 1% भी, इस पार्क की स्पेशल, इस पार्क की फाइल खुलवा के पुराने कागजों को खंगाड़ के टोटल जांच करें, जो जो हो उनको अंदर करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से मैं निवेदन करता हूँ, आप चाहते हो कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार दोबारा तीसरी बार बने, तो कम से कम ऐसे 2-4 मुद्दे हैं जो मगरमच्छ हैं ऐसे, उनको पकड़ के जेल के अंदर करने काम करें, ताकि जनता भी और हमारे जैसे भी खुल के बीजेपी का साथ दे सके। आप कहते हो कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की पार्टी है, कोई वो नहीं इसके ऊपर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये देख लो, 32 लाख के 5 लाख लगाए, 25-26 लाख खा गए, 52 लाख रुपये पास कहाँ गए, 52 लाख रुपये इसमें। यानी कि अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह के गए थे कि बीजेपी जीरो, कोई जीरो नहीं है जी, ये सबूत रहा उसका, टॉलरेंस की पार्टी है, साथ हमारे कमेटी कर्मचारी जेल में जा चुके हैं, 2-3 लोग और बारी आगे। अच्छा हाँ, कहाँ जीरो टॉलरेंस है बताओ आप? कितने कर्मचारी अंदर और जाएंगे? अभी तो बहुत जाने कमेटी के अंदर, सबसे मेन तो हमारा जो मगरमच्छ हमारा यो है, सबसे बड़ा अजगर मेन है, पर उसी का नंबर लगना चाहिए, क्योंकि सारा वो कर रहे हैं सिस्टम सारा, आप कथित आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई क्या लग रहा है मुझे, नंबर अगला उसी का है, किंग पिन वो है बिल्कुल। कुछ सलमान के बालों पे मर गए, कुछ कैटरीना के गालों पे मर गए, कुछ चुम्बन और चालों पे मर गए, ऊपर बैठे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सदगुरु यह कह रहे होंगे कि हम भी यार 3 सालों के लिए मर गए। इस शेर के साथ मैं एंड कर रहा हूँ, इनकी आत्मा रो रही होगी, किस तरह से करप्शन का एक खुला यानी कि नंगा नाच यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी अजय सैनी जी ने सब कुछ विस्तार से बताया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या पैसा आता है और इसी तरह करप्ट होकर वो पैसा चला जाता है, लोग बाग तड़पते रहते हैं और सड़कों पर पसरे रहते हैं। देखिए।